हेलो 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 एवरीवन, हाउ आर यू टुडे? आई एम डॉक्टर परमजीत एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में और चमड़ी की प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, क्या होती हैं स्किन प्रॉब्लम्स, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्किन, बट बिफोर हैंड आई नीड टू सी वेदर द साउंड इज गुड और नॉट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई विल जस्ट स्टार्ट विद, जो मैंने चेक कर लिया है साउंड ठीक है। इसी के साथ मैं कैमरा का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि हम सेंटर स्टेज में आ जाए, और हम सेंटर स्टेज में आ चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट स्किन प्रॉब्लम्स, ऑलराइट, सो वी हैव डन दिस आल्सो। सो स्किन क्या चीज है? स्किन आपके पूरे शरीर में सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, और स्किन के ऊपर एक टिपिकली मानोगे आप बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ये है, हेयर्स भी उसी का पार्ट हुआ, इंटीग्यूमेंट्री स्किन, बेसिकली इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, नेल्स भी उसी का पार्ट है। स्किन के अंदर बेसिकली बहुत सारे लेयर्स होते हैं। एक आपने कई बार सुना होगा, वो उसके नीचे एक सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, उसके नीचे डर्मिस होता है, उसके ऊपर एक सबक्यूटेनियस, उसके सबसे नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, सबक्यूटेनियस फैट होता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट, और उसके बाद फिर विल टेक 10 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद स्किन के कंडीशन भी समझाएंगे। और स्किन के अंदर बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं जो स्किन को कलर देता है, वो डार्क ब्राउन कलर पिगमेंट बनाने वाले मेलेनोसाइट्स होते हैं, और जो स्किन के ऊपर जो क्रिएटिन पिगमेंट क्रिएटिन लेयर बनाते हैं वो बेसिकली एक टाइप का प्रोटीन है, केराटिनोसाइट्स होते हैं, केराटिनोसाइट। और लास्ट में एक बॉडी के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने वाले लैंगरहैंस सेल्स भी होते हैं स्किन के अंदर। और स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि आपके ऑयल बनाने वाले, स्वेट बनाने वाले ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड भी कहते हैं। और ये स्वेट ग्लैंड्स, इन सब चीज़ों में बीमारी हो सकती है, ईच एंड एवरीथिंग जो मैं अभी बता रहा हूँ, बीमारी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी बीमारी हो सकती है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ये सारे उसी में होते हैं जो बेसिकली स्टोर करता है आपका फैट, फैट भी वहीं स्टोर होता है। और इसके दो बेसिक दो ग्लैंड्स के भी प्रकार होते हैं, एक्राइन, एपोक्राइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर हेयर, बेसिक हेयर क्या करता है? हेयर बेसिकली एक उसमें हमने कई बार हेयर वाली वीडियो बताया था, उसमें एक उसका मेड्यूला होता है, अंदर का कॉर्टेक्स होता है, क्यूटिकल होता है, सबसे बाहर क्यूटिकल बंद हो तो हेयर शाइनी होता है, खुला हो तो हेयर डैमेज होता है, डैमेज हो तो खुल जाता है, शाइनी होता है तो अच्छा होता है, स्मूथ होता है। हेयर के बहुत सारे प्रकार है, टाइप है, हेयर के अंदर भी एक पर्टिकुलर केराटिनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे केराटिनाइजेशन होता है। और वैसे ही पॉइंट होता है नेल्स में, नेल्स में भी आपका एक लैक्यूना होता है, लैक्यूना इज बेसिकली द वाइटेस्ट क्रिसेंट पार्ट ऑफ द नेल्स। ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। नेल्स, हेयर, स्किन हमेशा बनते रहते हैं। स्किन हर 28 दिन में पूरी बॉडी की स्किन चेंज हो जाती है, लगातार स्किन बनती रहती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। लेट्स टॉक अबाउट नाउ डिजीजेस। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है स्किन में? स्किन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसका नाम है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, स्किन के अंदर इचिंग, रेडनेस, ये इसे हमारी डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डर्म यानी स्किन, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। सो डर्मेटाइटिस कई प्रकार की हो सकती है। एक होती है एक्जिमा, जैसे जिसको कहते हैं एक्टोपिक डर्मेटाइटिस, ये बेसिकली ओवरऑल हेरिडिटरी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, आपको कहीं भी रैश आएगा, किसी भी चीज़ से एलर्जी होगी, किसी भी चीज़ से आप सेंसिटिव होंगे। एक होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट का मतलब कोई स्पेसिफिक चीज जिससे आपको एलर्जी है वो उसका कॉन्टैक्ट हुआ, जैसे कोई निकल की चीज़ है, कोई ऐसी सब्सटेंस आई, पॉइजन आई भी है, किसी ऐसी एलर्जी वाली चीज़ जो सभी को एलर्जी करती है, पॉइजन आई भी का टच हो गया तो सबको एलर्जी हो जाएगी। सो ऐसी कोई चीज़ से कॉन्टैक्ट हो गया तो उस कॉन्टैक्ट साइट पे डर्मेटाइटिस होगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। और एक होता है सिबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि आपको पता ही है, बढ़िया ऑयल, जो ऑयली रैश होता है, जो डैंड्रफ होता है, वाइट अपीयरेंस से फेस, सारे बालों पे, वो भी एक तरीके का डर्मेटाइटिस है, यानी स्किन का इन्फ्लामेशन है। इसके अलावा स्किन में हो सकते हैं इन्फेक्शन। नाउ इन्फ्लामेशन में इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन में इन्फेक्शन होता है, लेकिन इन्फेक्शन में इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। सो इन्फेक्शन में स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पस बन जाते हैं, छोटे छोटे हनी कलर्ड पस बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनको इम्पटीगो बोलते हैं। स्किन इन्फेक्शन के ऊपर हमारा अलग से एक वीडियो भी है, वो जाके देख सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली बात है, अगर आपका कोई भी एक पार्ट बॉडी का
ज्यादा बड़ा हो जाए, स्वेलन सूजन आ रही है, लालपना है, बहुत सूजन है, लालपना है, दर्द भी है, गर्म भी है, बुखार भी है, तो वो सेल्यूलाइटिस है। सेल्यूलाइटिस मतलब स्किन और नीचे की सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्ट हो गई है, सेल्यूलाइटिस हो गया है, वो खतरनाक सिचुएशन है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, इन्फेक्शन फैल जाए तो जान भी जा सकती है, राइट। और जहां तक बात है स्किन में, सबसे कॉमन जो बैक्टीरिया होता है ये होता है स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये दो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो आपकी बॉडी में ही रहते हैं, अपॉर्चुनिटिक भी होते हैं और बाहर से भी आते हैं, और आपके वजह से, आपकी गलतियों के वजह से, एंटीबायोटिक खा खा के, जो केमिस्ट से दो गोली लेके आपको थोड़ा सा आराम हो जाता है, आपने ये दो बैक्टीरिया को शक्तिशाली कर दिया है, इतना ताकतवर कर दिया है कि अब रेजिस्टेंस होती जा रही है इन बैक्टीरियाज के, और इसी वजह से खतरनाक सिंड्रोम्स आते हैं, स्कारलेट फीवर, टॉक्सिक सॉटोमा, बहुत सारी बीमारियां, राइट, MRSA, और ये सारी बीमारियां ऐसी है जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया हो सकता है तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है स्किन में, स्किन में हो सकता है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कैंडीडिया एक तरीके का फंगस, उसके वजह से डर्मेटाइटिस हो सकता है, वो फंगल इन्फेक्शन। रिंग वर्म बहुत कॉमन प्रॉब्लम, रिंग वर्म फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई वर्म नहीं होता, और रिंग वर्म आपके स्किन में, नेल्स में, हेयर में, स्काल्प में, स्किन में कहीं भी हो सकता है रिंग वर्म, और ये एक तरीके से फंगाई, उसको बोलते हैं डर्मेटोफाइट्स वाले फंगाई है। फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी हमारा एक डिटेल वीडियो है, वो भी आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, और उसके लिए अगेन आपको एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल दवाएं लेनी पड़ती हैं, साथ ही मेंटेन करना पड़ता है आपकी हाइजीन, क्योंकि फंगस ग्रो करता है पानी वाली जगहों पे, पानी यानी जहां पे भी मॉइस्चर होगा वहां पे फंगस आराम से ग्रो करेगा, और जब तक मॉइस्चर खत्म नहीं होगा फंगस पूरी तरह खत्म होने में मुश्किल होती है, राइट। टीनियासिस नाम का एक फंगस बहुत कॉमन है जो रिंगवर्म को भी करता है, टीनिया बेसिकली रिंगवर्म, टीनिया जहां हो कॉर्पोरिस, तो यहां टीनिया आपका कैपिटिस यहां है, कॉर्पोरिस यहां है, बॉडी में होता है, तो बेसिकली वो अलग पॉइंट है, तो पोजीशन के अलावा, उसके अलावा कई सारी और भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि एथलीट्स फ्रॉस्ट, यानी कि अगर आप एक तरीके का फंगस रिंगवर्म ही है जो आपको एडोलसेंट एज में वेदर के हिसाब से ड्यूरिंग वार्म वेदर उसको अटैक करता है, फंगल इन्फेक्शन ही मान लीजिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है स्किन में, पैरासाइट भी आ सकते हैं स्किन में, जी हाँ, पैरासाइट जैसे कि स्केबीज, जैसे कि जुए, लाइस, स्केबीज यानी स्केबीज है, जुए हैं, लाइस हैं, वो पैरासाइट होते हैं। वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं जैसे कि चिकन पॉक्स, आपके वॉट्स आती है ना, वॉट्स काले दाने, वो वॉट्स हुआ, वो चिकन पॉक्स आपने कहीं ना सबने सुना है, और जो आपके कोल्ड सोर्स आते हैं, हर्पीज सिम्प्लेक्स जो आपको आती है, हर्पीज वायरसेस हैं, एक्ने हो सकता है, एक्ने क्या है, एक्ने वल्गारिस एक तरीके की बीमारी है जिसमें कि आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, आपको नॉलेज नहीं होने की वजह से, वाइट हेड, ब्लैक हेड, ये सारे एक्ने में ही आते हैं, और पुशुल सब वहीं आते हैं, राइट। इसके अलावा स्किन कैंसर भी होता है, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है आज के डेट में, क्योंकि आपका सन एक्सपोजर और ओजोन लेयर खराब होने से आपकी यूवी रेज इतने ज़्यादा आ गए हैं कि स्किन डैमेज की वजह से स्किन कैंसर बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसके अलावा स्काल्प में जो डिसऑर्डर होते हैं वो होता है आपके बाल झड़ जाने और एलोपेशिया, और हेयर और स्काल्प में एलोपेशिया मेन बहुत कॉमन है, हेयर के ऊपर बहुत सारे डिटेल वीडियो आप जाके देख सकते हैं, और टीनिया कैपिटिस इन्फेक्शन हो सकता है आपके स्काल्प में टीनियासिस, अगेन दैट रिंगवर्म, उसके लिए अगेन फंगल शैम्पू, फंगल सोप, फंगल लोशन वो सब लगाना पड़ेगा, एंटी फंगल, उसके लिए बेसिकली कीटाकोनाजोल का लोशन लगाना पड़ता है। तो ये हुई बात स्किन की बीमारियों की, स्किन की एलर्जी। अब होली आ रही है, होली में स्किन को कलर से बचाना, कलर्स के अंदर केमिकल्स होते हैं जिनके वजह से भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, सो दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी डैमेज कंट्रोल बाद में करेंगे, जो भी हो गया हो गया। तो अब देखते हैं आपके पहले 10 सवालों के जवाब और फिर बात करते हैं स्किन के बारे में, और हम चले गए हैं पीछे जाके देख लेते हैं कोई आया है कि नहीं है। ओके, फर्स्ट सवाल है, हेलो जी विक्की जी का, हाय आकाश नंदा जी, फर्स्ट मैसेज आया है, पहले 10 रैंडम सवालों के जवाब ले रहे हैं, उसके बाद सिर्फ स्किन के सवालों के जवाब लेंगे एज यूजुअल, राइट। ऑलराइट, पहले 10 सवाल, होटल मैनेजमेंट जी पूछ रहे हैं, दिन भर सेक्स के थॉट्स आता रहता है, दिन में एक बार मैस्टरबेट करने से भी नहीं रोक पाता हूँ, ज्यादातर टाइम फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, अगेन यू नीड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अब ये बात आ रही है आपकी OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यू नीड व्हाट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जाके काउंसलर से मिलिए।
डॉक्टर प्लीज टेल मी सम रेमेडी फॉर रिंगवर्म। अगेन रिंगवर्म इज अ फंगल इन्फेक्शन, आपको एक एंटी फंगल क्रीम चाहिए, आप कोई भी एंटी फंगल क्रीम ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड करता है रिंगवर्म कहाँ है। रिंगवर्म अगर स्काल्प में है तो एंटी फंगल शैम्पू लेना होगा, उसके लिए आप कोई भी कीटोकोनाजोल या एजोल, कोई भी एजोल ग्रुप का फ्लूकोनाजोल का कई बार टैबलेट देते हैं, कई बार आपको शैम्पूज देते हैं, कई बार क्रीम्स देती हैं जिसमें के आपके एंटी फंगल क्रीम कैंडिड बी एंड बैकलेट सी ऐसी यूज होती है। देखिए आपको मैं कहूँगा दवाई खुद से मत लो, एंटी फंगल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल सी चीज़, एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा दो, वो बढ़िया से दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा। ऑलराइट सर, मेरी अंडर, हेलो आकाश जी, हेलो अकुश जी, मेरे अंडर आर्म में बहुत खुजली होती है। अगेन खुजली ज़्यादा होती है, इट्स अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो रहा, आप क्लीन कर रहे हो रहा, क्लीन कर रहे, मेक श्योर इट्स ड्राई, मेक श्योर इट इज ड्राई, लूज कपड़े पहनो थोड़े, और फुल स्लीव या स्लीव वाली बनियान मत पहनो, और मेक इट थोड़ा सा चाहो तो वहाँ पे शेव भी कर सकते हो, थोड़ा ड्राई रखने की बात आ रही है और कुछ नहीं, ठीक है, इट्स अप टू यू। और ड्राई करने के लिए पाउडर, डर्मिकूल, वॉट एवर पाउडर यू नीड, टैल्कम पाउडर लगा सकते हो, और जरूरत पड़ती है तो मेक श्योर टू बाथ, दिन में दो बार नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खुजली होती है तो बेसिकली कई बार ये डर्मेटाइटिस हो सकता है, कई बार ये एक्चुअल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, डर्मेटाइटिस है, खुजली है, तो इट माइट बी अ रिएक्शन टू सम काइंड ऑफ क्लॉथ, तो क्लोथ्स का टाइप बदल के देखो, और ज़्यादा हो रहा है तो सिट्रिजिन या मोंटरेलसी एक बार रात में ले सकते हो, डैट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, कुछ दिनों के लिए, एक दो दिन के लिए, ज़्यादा लंबा नहीं लेना है, ज़्यादा दिक्कत है डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, दाग है, रैश है तो ज़रूर दिखाओ। स्किन, मेरा शोल्डर की स्किन में बहुत छोटे छोटे दाना है, स्किन आपके शोल्डर की स्किन में बहुत छोटे छोटे दाना है, बहुत छोटे छोटे दाने हैं, दैट माइट बी अ स्कार, एक्नी स्कार, एक्नी शोल्डर पे बहुत कॉमन है, वो स्कार हो सकते हैं, वो मीलिया हो सकते हैं, सफ़ेद रंग के, काले रंग के, डिपेंडिंग अपॉन दैट, और वाइट हेड, ब्लैक हेड भी हो सकते हैं। सो मैं ये कहूँगा कि जब आप नहाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आप एक्सफोलिएट करिए, एक्सफोलिएशन जेंटल करिए, बट डेली करिए, दैट विल गुड गुड गिव गुड रिजल्ट, ये निकाल देते हैं यार, बस ही पास से पढ़ रहे हैं। ओके सत्यनारायण सर, एक्सप्लेन अबाउट व्हाइट एग इज गुड फॉर हेल्थ। यस व्हाइट एग इज गुड फॉर हेल्थ, उसमें एक्सप्लेन क्या करना है, इट्स गुड, इट्स गुड, क्या एक्सप्लेन करूँ, इट्स गुड फॉर हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन। व्हाइट एग में कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कुक करें तो बेटर होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, सो व्हाइट एग को कुक कर लिए दैट इज़ वेरी गुड। सो येलो पार्ट को आप कच्चा भी खा सकते हैं, दैट इज वो गुड, ये चीज़ बताने वाली है। फिर एंजेला, एंजेला हाई सर, काइंडली सजेस्ट मेडिसिन फॉर स्किन पिगमेंटेशन। एंजेला दिस इज एजुकेशन, दिस इज नॉट प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकेशन, आप उसके लिए मेलेस्मा वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने ऑप्शन बताए कौन कौन से मेडिसिन के दवाओं के नाम होते हैं, क्या क्या उसमें दवा होती है, आप उसमें से कोई भी ट्रायल एंड एरर करके देख सकते हो, बट एक डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के बाद, इसको खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिए, वो कई बार बैकफायर कर जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं दवा नहीं बताता हूँ, 10 लोग यूज करेंगे एक को रिएक्शन हो जाएगा और वो फिर हमारी ऐसी तैसी करेंगे, सो डोंट डू दैट। ओके ओके देन लाइपोमा के लिए कुछ बताएं। अगेन लाइपोमा इज बेसिकली स्क्वेलिंग इन द स्किन, उसके ऊपर आपको स्ट्रेसर देखना है कि क्या स्ट्रेसर है जिसकी वजह से लाइपोमा आ रहा है, कई बार वो जेनेटिक होता है, कई बार दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेसर, वो मैंने कई वीडियोस में बताया है, और अल्टीमेट लाइपोमा का ट्रीटमेंट है या उसे वैसे ही छोड़ दो, बढ़ रहा है तो ऑपरेट करके निकाल दो, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डन। कंफर्म करना है लाइपोमा है कि नहीं तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज द टेस्ट। ऑलराइट एफएनएसी देन व्हेनेवर यू स्टे प्रोलॉन्ग्ड इन सनलाइट आई गेट फ्लेकी स्किन एंड रैशेज नियर माय ईयर, व्हाट इज इट, दैट इज अगेन फ्लेकी स्किन एंड दिस इज ड्राई स्किन, और ड्राई स्किन कई बार ऐसे पपड़ियाँ बन के निकलती हैं, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ सोरियासिस, अगर ये सोरियासिस भी हो सकता है, सोरियासिस इज अ स्किन कंडीशन जिसमें कि स्किन एक ही जगहों पे जहाँ ओवर स्टिमुलेट होती है, मान लो धूप में ज़्यादा गए तो एक के ऊपर एक ग्रोथ रैपिड हो जाता है, जो दिनों में होना चाहिए वो घंटों में होता है, एंड द ग्रोथ रेट इन दैट लोकल एरिया इज सो हाई कि वो एक के ऊपर एक स्टैक होते होते ऊपर का लेयर हार्ड होके कड़क होके बेसिक फ्लेक बन जाता है, वाइट स्केली सिल्वरी एंड इट कैन ऑल्सो फॉल या वहीं रह सकता है, सो दैट इज अगेन या फ्लेकनेस वहाँ हो सकता है या इट माइट बी सोरियासिस, गो एंड चेक इट विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट, माइट बी वो डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। ओके आकाश जी, स्वेट स्मेल के रेमेडी, स्वेट स्मेल की कोई रेमेडी नहीं है,
हर स्वेट जब वहां रहता है तो स्मेल करेगा, ऐसी कोई बेसिकली एक दो प्रकार के आते हैं ना, एक तो डीओडोरेंट होता है और एक डीओडोरेंट का यही मतलब होता है, वहाँ स्वेट बैक्टीरियाज को वो बेसिकली स्वेट की स्मेल आने से बचाता है। डीओडोरेंट यूज कर सकते हो आप, बेसिक चीज है राइट। और परफ्यूम इज अ डिफरेंट थिंग, वो सिर्फ परफ्यूम है, स्मेल है, गुड स्मेल। सो डीओडोरेंट इज फॉर द स्मेल, स्वेटी स्मेल। उसके लिए ऑब्वियसली थोड़े सिक्रीशन ज्यादा है, यू कैन वॉश, यू कैन यूज अल्कोहल, अल्कोहल मीन्स टोनर, यू कैन यूज टोनर एस्ट्रिंजेंट इन योर स्वेटी एरियाज, दैट कैन हेल्प आफ्टर बाथ। आफ्टर बाथ टोनर यूज कर सकते हो विद अ कॉटन स्वैब, उसको भाई पहले टेस्ट कर लेना, किसी किसी को उनसे भी एलर्जी होती है, ऐसा नहीं कि डॉक्टर साहब ने बोला कुछ भी करो, स्किन इज वेरी सेंसिटिव, ऑलवेज टेस्ट बिफोर यूजिंग एनीथिंग राइट। लोकल लोकेश, अच्छा सर मेरे शरीर में बहुत सारे दाने निकलते रहते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्लीज हेल्प मी, अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट। और दाने का लोकेशन, उसकी साइज, शेप, स्ट्रक्चर देखने में कैसे है उससे पता चलता है वो क्या है राइट। लोकेशन ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर्स इन स्किन, लोकेशन व्हाट इज दिस, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, हर जगह होते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स, आपके स्किन के डर्मिस में, उसके जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं उसमें, उसके आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसमें, हर एक में होते हैं। जब एंड्रोजन ज़्यादा होते हैं तभी हेयर भी ज़्यादा बनते हैं, एक्सक्रीशंस भी ज़्यादा होते हैं, स्किन की थिकनेस भी ज़्यादा बढ़ जाती है राइट। तो हर जगह होते हैं, डेट्स नॉट समथिंग लोकेशन। बताएं ओमेगा 3 सोर्स फॉर वेजिटेरियंस, फ्लैक्सीड इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड फ्लैक्सीड अलसी इज अ वेरी गुड सोर्स, वो ही ले सकते हो, ओमेगा 3 बेस्ट सोर्स मान लीजिए। और यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल या कैनोला ऑयल, या यू कैन यूज ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल में भी है बट थोड़ा कम है एज कम्पेयर। देन सत श्री अकाल जी, हरदीप जी, सोनिया यादव, सर मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को एकेनथोसिस नाइग्रा है क्योंकि मेरे हैंड पर डार्क सर्कल्स है बहुत, ये डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा, ये डायग्नोसिस विद एक्सपीरियंस आता है स्किन कंडीशन को देख के। सो आप डर्मेटोलॉजिस्ट को बताएं, वो डायग्नोस करेगा, आप खुद डायग्नोस ना करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। Believe in you. Thank you. Doctor, please recommend some effective treatment to treat hair loss. Again, I already have explained in very detail, hair loss ka treatment is not one medicine. It's a lifestyle change. It's an understanding. It's to investigate what has caused the hair loss, right? If it is telogen effluvium, there is no point in treating and no point in stressing. Stressing will increase the problem. So again, go and watch my hair videos and then evaluate your hair loss yourself or hire a person for you, a dermatologist, right? That's the point. You might not be happy with one, change the dermatologist and you'll see some results sooner or later. Sir, hair white ho raha hai. Kyun? Hair white hota hai jab ye melanocytes mein koi damage hota hai. जो हमने बताया स्किन के अंदर मेलेनिन प्रोड्यूशन, जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वही हेयर में भी मेलेनिन देते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है, कोई ऐसा वायरस है, कोई ऐसा आपकी ऑटो इम्यूनिटी है जो मेलेनिन साइट को डैमेज कर रहा है कुछ लोकल एरियाज के, तो वहां पर हो जाएगा आपका वाइट हेयर या वाइट स्किन या वाइट पैच, उसी को विटिलिगो कहते हैं, उसी को वाइट स्पॉट कहते हैं, उसी को हेयर वाइटनिंग कहते हैं। उम्र के साथ मेलेनोसाइट्स कम होते जाते हैं हेयर में, और इसीलिए आप देखोगे कि उम्र के साथ आप थोड़े वाइट भी होते जाते हो, अगर आप धूप में नहीं जा रहे हो तो, बट ऑब्वियस धूप में जा रहे हो तो मेलेनिन पड़ेगा, नहीं तो हेयर तो वाइट होता ही होता है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। और हार्श सिंह, देखिए मैं पहले देख लूँ, मेरे 10 सवाल हो गए, उसके बाद सिर्फ स्किन के सवाल को जवाब देंगे। रिंगवर्म हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so we have crossed the 10 questions, only skin questions from now on, and सबसे पहले हम पेट सवाल ले लेते हैं हमारे पेट वाले यूजर्स के लिए। हमारे पेट यूजर ने हमें एक सवाल पूछा है जो है गौरव गुप्ता, मेरे टॉयलेट वाली पार्ट में इचिंग होती है स्पेशली इन द नाइट, मैंने पहले भी यह क्वेश्चन पूछा था और उस पार्ट को क्लियर भी रख रहा हूँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्या करे, वो एनोवेट क्रीम भी यूज किया पर कुछ नहीं हुआ। ओके, देखो अगर इचिंग होती है दैट माइट नॉट बी एनी सीरियस प्रॉब्लम, और इट माइट बी, आपको एक बार इवैल्यूएशन यानी एग्जामिनेशन उसको नीचे से देखना पड़ेगा एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कि वो क्या है, क्या वो ड्राई या बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो रहे हैं या फिर अनहाइजीनिक कंडीशन, नहीं आपने बोला वैसे अनहाइजीनिक नहीं है लेकिन नीचे से देखे बगैर ये नहीं बता सकते आपको क्यों इचिंग हो रही है। सो गो एंड गेट अ डर्मेटोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन, कोई शर्म की बात नहीं है, आपका पार्ट है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके okay?
वेटिंग फॉर अनदर, और तब तक के लिए जरूर आप कुछ कर सकते हो, आप वहां पर बॉडी लोशन एक लगाइए, एटोगला का बॉडी लोशन लगाइए, और एटोगला का बॉडी लोशन बच्चों के लिए आता है लेकिन वो आप भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। एटोगला, AtoGla, एटोगला, इसमें एक्चुअली एंटी एलर्जिक एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। वो उस जगह पे लगाइए जहाँ इचिंग होती है बस। ऑलराइट देन, ओके, कल का क्वेश्चन था, मिस हो गया। 98, माय पेनिस इज अनसर्कमसाइज, मतलब आगे का स्किन नहीं आया, ग्लांस के पीछे स्किन चांसेस है वो आएगा नहीं आएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार ग्रो हो गया उसके बाद नहीं आता। माइग्रेन पे वीडियो आएगा जनाब। अच्छा सॉरी, ओनली स्किन क्वेश्चन, स्किन स्किन लिखिए, क्वेश्चन पूछिए, स्किन के क्वेश्चन लेंगे। ऑल राइट, बाकी सवाल 10 सवाल हो चुके हैं। स्किन, यस, एज 35, कोई भी चोट लगने पे निशान नहीं जा रहे हैं, स्किन ब्लैक हो जाती है परमानेंटली, भले चोट बड़ी हो या छोटी, अल्कोहल बंद कर दिया है 3 मंथ अगो, इलाज, इलाज पहले असेसमेंट, असेसमेंट यानी आपने स्किन स्किन प्रॉब्लम है और इस तरह के हाइपर रिएक्शंस हो रहे हैं, इट्स पॉसिबल यू हैव मेस्ड अप यू हैव मेस्ड अप योर सिस्टम ऑफ आपके इन्फ्लामेटरी सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, आपके लिवर फंक्शंस, आपके किडनी फंक्शंस, कहीं पे थायराइड फंक्शंस, इनमें इश्यूज हो सकते हैं, इनके वजह से ये सारे रिस्पॉन्स पॉसिबल। सेकंड, आपका पानी का इंटेक, अगर पानी नहीं होगा, ड्राई स्किन इज मोर लाइकली टू हैव दिस डार्क कलर देन एनी अदर काइंड ऑफ स्किन, सो पानी का इंटेक कराइए भाई साहब, वो बहुत जरूरी है, और एक बारी इसके लिए हेल्थ चेकअप कराइए। एनी प्रॉब्लम गेट करेक्टेड, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक डबल कर दो, पानी का इंटेक डबल कर दो, ये स्टेप से आपको फर्क पड़ेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स या एक मल्टीविटामिन लेना शुरू कर सकते हो, फ्लेवोनॉइड या म्यूसिनैक नाम की चीजें भी आप ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, कोई भी स्पेसिफिक हर्ब या फ्रूट वेजिटेबल इंट्रोड्यूस करें डेली में जो वेट लॉस के सवाल नहीं भाई साहब। ओके, लेट्स सी स्किन वाले सवाल, स्किन सन टैन को कैसे ठीक करें सर? सन टैन गोज विद टाइम, एंटी टैनिंग क्रीम्स आती हैं, ब्लीचिंग्स आते हैं, जो आप यूज कर सकते हो इफ यू आर वेरी डेस्परेट, और एल्स जस्ट सन से बचो, अपने आप वो आपका नेचुरल कलर आ जाएगा विद इन अ फ्यू वीक्स। ऑलराइट देन, बैक पे थोड़े दाने हैं, नो स्टीरॉयड लेकिन ऐसा क्यों? एज 20, इज इट सीरियस? एज 20, इज इट सीरियस? आर यू सीरियस? एवरीबडी हैज दाने इन दैट एज, कम ऑन यार, आपके अंदर स्टीरॉयड नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, फिर भी टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, बिकॉज इट्स योर एज, अभी आपका टाइम है एक्सरसाइज करने का, उसको इस्तेमाल करो, स्टीरॉयड्स को इस्तेमाल करो, ठीक है? हाँ, नहीं तो वो आपका वैसे ही वो बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, और वैसे वो चले जाएंगे। इस समय आपको सिर्फ हेल्दी स्किन केयर रूटीन रखनी है ताकि आपको स्कार्स ना आए, रिमेंबर दैट। ओके, देन हाउ टू क्योर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया परमानेंटली? यू कैन नॉट क्योर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, दैट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक जीन्स को नहीं तुम चेंज कर, भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते हो भाई साहब। अरे यार, ये भाग गया, एनीवेज भाग गया, नहीं कोई बात नहीं, वी आर गोइंग अलेन अगेन, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, डिटॉक्स बॉडी रिंग वर्म एंडोरेसी और टुकर, अरे फिर भाग गया। ओके एनीवेज, नहीं बीच बीच में सवाल देख रहा हूँ, रैशनल क्रीम स्किन पर लगाने के साइड इफेक्ट होते हैं, रैशनल क्रीम, आई हैव नो आइडिया रैशनल क्रीम क्या है, मैं किसी भी दवाई के बारे में इस तरह नहीं बता पाऊंगा, और जब तक मुझे उसके कंटेंट ना पते हो, और हर दवाई के कंटेंट मुझे याद नहीं है, ठीक है? अगेन, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा बेसिक ज्ञान आपको दे सकता हूँ जो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हैवी होगा और मेरे लिए थोड़ा बेसिक होगा, मेरे से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज डर्मेटोलॉजिस्ट को होता है, अगेन मैं बता, हर एक डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है? ऑलराइट, फिर बात आती है थोड़ी सी, ओके, पर रिंगवर्म्स क्यों होता है? ऑलरेडी आई टोल्ड यू, रिंगवर्म्स हमारे पहले वो 5 मिनट 10 मिनट के लेक्चर में, राइट? और डिटॉक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, आपकी बॉडी को अंदर से अंटिल आपकी किडनी और लिवर ने फंक्शन करना बंद कर दिया है तब हमें डिटॉक्स करना पड़ता है, अंदर से अंटिल दैट, आपको डिटॉक्स करना मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, और वो आप उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप उनको रहने दीजिए, हम नहीं बनाएंगे। एनीवे, राइट देन,
नोटिफिकेशन नहीं आया भाई, वो यूट्यूब की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। हम 10 बजे के आसपास आ जाते हैं, आपको पता ही है, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। पिंपल कैसे खत्म करें, इसके लिए स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, एक कोई ना कोई एंटी पिंपल क्रीम रेगुलरली लगानी पड़ेगी। बेंजोइल परऑक्साइड से आप शुरू कर सकते हैं, 2.5% या 5% या ग्लाइकोलिक एसिड 6% आप लगा सकते हैं। ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो हफ्ते में एक बार लगाइए, और अच्छी स्किन है, नो प्रॉब्लम स्किन है तो रोज़ लगा सकते हैं, रात को सोते समय, धूप में लगा के ना जाएं। उसके अलावा एक्नी का पूरा रूटीन चेक करके आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, स्किन को पढ़ना पड़ेगा। स्किन पे ऑयल ज़्यादा आ रहा है तो फेस वॉश करना पड़ेगा, ऑयल नहीं आ रहा है, ड्राई स्किन है तो फेस वॉश नहीं करें, मॉइस्चराइज करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर स्किन, और स्किन अंडरस्टैंड करके ही ट्रीटमेंट होता है। राइट, 25 मिनट हो गए हैं, जरा हम स्पीड बढ़ाते हैं ताकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा जवाब तो मिले। डार्क स्पॉट्स कम करने के लिए आप हमारा मेलेस्मा वाला वीडियो देखिए, उसमें पूरा समझाया हुआ है। राइट, उसके अलावा क्या ये क्वेश्चन फेस पे इचिंग होता है, फॉर लास्ट 5 ईयर स्टीरॉइड क्रीम लगाता हूँ तो इचिंग चला जाता है, क्रीम बंद करता हूँ तो 5 से 6, इसका परमानेंट सोल्यूशन के लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा, इचिंग क्यों होता है, इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, एक हेल्थ चेकअप कराओ, ओनली देन देयर विल बी एन आइडिया कि वो क्यों होता है। ऑलराइट, इट माइट बी अ मेडिसिन जो आप ले रहे हो, किसी और बीमारी के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसको रिव्यू करवाओ कि उस मेडिसिन से कोई इचिंग तो नहीं हो रही है। राइट, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हेल्थ चेकअप कराओ। डार्क स्पॉट्स के लिए मेलेस्मा का वीडियो देखो, मेलेस्मा बाय डॉक्टर एजुकेशन। अगेन, डार्क सर्कल भी के लिए भी अलग से वीडियो है, उसके लिए आप जाके डार्क सर्कल वाला वीडियो देखिए। राइट, पूरा 20 मिनट हम डार्क सर्कल पे नहीं समझा सकते, वी आर हियर टू गाइड यू, राइट, एंड क्लियर योर डाउट्स। सो इफ यू हैव डाउट्स देन यू आस्क मी इन द नेक्स्ट स्किन वीडियो। राइट, हाँ, हेयर फॉल के लिए हेयर फॉल वाला वीडियो देखिए, हाउ टू रिमूव बैक स्पॉट्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। अगेन, स्मॉल पॉक्स के जो बैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, दोज आर स्कार्स। स्कार्स को रिमूव करने के लिए आपको डार्क पिगमेंटेड स्कार वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें लेजर या स्किन पील्स या सिंपल डेली एक्सफोलिएशन और टाइम काफी है। टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो स्कार्स हील हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लाइट होते जाते हैं। आपको सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा गर्म से, बहुत ज्यादा हीट से, बहुत ज्यादा धूप से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मस्त, क्या हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा नहीं, वो ऐसी मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ ऐसे, वो होने का ओके। Glutathione effect to make skin fair, what should be the course duration? Glutathione should not be taken orally because glutathione is not absorbed very well. उसके लिए आपको natural diet में आपके हल्दी, curcumin, vitamin E, vitamin C, vitamin D12, B12 और omega-3 और N-acetylcysteine यानी कि proper proteins खाने चाहिए, तो आपके अंदर जो glutathione stores हैं वो proper रहेंगे और आप जितने गोरे होने चाहिए उतने गोरे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा ग्लूटामीन इंजेक्शन से लेने के साइड इफेक्ट्स हैं कि आप थोड़े ज्यादा गोरे हो जाएंगे जितने आप नहीं हो, लेकिन जैसे ही आप ग्लूटामीन बंद करेंगे वापस आप वापस के वापस वापस अपने नेचुरल कलर में आ जाएंगे। तो कृपया ऐसे अननेसेसरी चीजें ना करें जिसके आपको साइड इफेक्ट भी होंगे और बहुत महंगा भी होगा और कोई फायदा भी होगा, है कि नहीं? ओके, कलर कैसे उतारे, कलर यानी कौन सा कलर, होली का कलर उतारना है तो आप पहली बात तो मेरा होली वाला वीडियो देखिए और वो कलर चढ़ने से रोकिए, और दूसरी चीज़ अगर उतारना है तो फिर आपको प्रॉपर स्किन को सिंपल वॉश करना है, कोई ज़्यादा खतरनाक वॉशिंग रबिंग या नहाने वाले क्या बर्तन धोने वाले साबुन से मत नहा लेना, दैट्स डैमेजिंग मोर देन इवन द कलर्स। लेकिन कलर को जल्दी से जल्दी निकाल लेना, सूखने ना देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बात को ध्यान रखिए। स्किन केयर वाला हमारा होली वाला वीडियो ज़रूर देखिए। Alright, then skin. After hair removing problem हो रहा है, itching हो रहा है, solution हो रहा है। Again, hair removing के बाद itching problem होने का problem का reason होता है, number one, कोई wax जो आप use कर रहे हो उससे उसके साथ आपको allergy हो, या फिर कई बार आपने moisturize सही नहीं किया, basic सही routine नहीं किया, skin को पहले हेयर को भी करने से पहले moisturize करना चाहिए, moisturizer इतना लगाओ कि वो पूरा dry हो जाए, उसके बाद फिर आप थोड़ी देर रुक के आप करो, लगाने से पहले चले जाओ मॉइस्चराइज करके, ड्राई स्किन में बढ़िया है, नहीं तो क्या होगा, वो ड्राई स्किन में क्रैक्स आएंगे और वो बर्न करेगी, क्योंकि आप झटके से निकाल रहे हो, मॉइस्चराइज स्किन होगी तो पॉप होगा वरना क्रैक होगा। पॉप और क्रैक में ये फर्क होता है, पॉप और क्रैक, बढ़िया चीज है कि नहीं। टेस्टिकल, सर मुझे ऑटो ओके मुझे समझा नहीं, एनीवेज हाउ ब्लैक स्पॉट डार्क स्पॉट पे जितने लोगों के सवाल है उसके लिए बाकी आप हमारा वीडियो देख सकते हो। राइट, इचिंग ऑफ टेस्टिकल्स, उसके लिए आपको अगेन स्किन प्रॉब्लम है वहां पर, फंगल इन्फेक्शन नंबर वन रीजन, एंटीफंगल क्रीम्स लगा सकते हैं, मोस्ट कॉमन कैंडिड बी वेकलेट सी, एंड हाइजीन बहुत जरूरी है। राइट, सन से स्किन एलर्जी सबको होती है, सन में जाना कम कर दीजिए या सनस्क्रीन बैरियर लोशंस लगाइए।
बैरियर लोशंस के लिए माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड फॉर 50% SPS वाली क्रीम लगा के जाइए, आप ठीक रहोगे। एंड देन सीक फॉर शेड। नॉर्मल वे में आपको 35-15-20% भी SPF काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर आपको एक्चुअल एनर्जी है तो फिर 50 चाहिए, या आप लंबा रहने वाले उस कम में तो 50 चाहिए। जैसे होली खेलने से पहले आपको 50 SPF की क्रीम चाहिए, वो सारी डिटेल्स हमने अभी होली वाले वीडियो में बताई हैं, आप जाके होली वाला वीडियो देख सकते हैं। स्किन मोल्स कैन डिक्रीज ऑटोमेटिकली बाय एज। यस, स्किन कैन रिएक्ट एनी वे बाय, जैसा उसको पसंद आए तो वो डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं मोल्स, डिपेंडिंग अपॉन आपके बॉडी की कैसा रिस्पॉन्स है। ऐसा कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता आगे क्या होगा। ऑलराइट, एक्जीमर लेजर इज गुड फॉर ट्रीटमेंट फॉर विटिलिगो। यस, लेजर ट्रीटमेंट इज गुड फॉर विटिलिगो, बट ये डिपेंड करता है आपके कंडीशन में, डॉक्टर का क्या, डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे एडवाइस करते हैं। रिमेंबर, इन सारी चीज़ों के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सो डिस्कस एवरीथिंग विद योर डॉक्टर बिफोर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट। पोस्ट एक्ने ब्लैक स्पॉट्स के लिए भी लेजर्स और सारे प्रोसीजर्स आते हैं, उनके लिए हमारे डिटेल वीडियोज अवेलेबल हैं आपके एक्ने स्कार वाले, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, लग गया बोलते बोलते। ऑलराइट, फिक्सो लगाने पर दाने दाने हो जा रहे। अच्छा, दाने हो जा रहे, फिक्सो एक आप ज्यादा लगा रहे, नंबर दो जब नहीं लगाना तब मत लगाओ, जबरदस्ती बहुत ज्यादा मत लगाओ, और थर्ड फिक्सो चेंज करो। कई बार फिक्सो भी अब बहुत प्रकार के आ रहे हैं, नेचुरल एयूर वयूर फयूर, स्प्रे से ज़्यादा हो जाते हैं लोगों को। स्प्रे जेल्स ट्राई करके देखो, हर एक को अलग अलग चीज़ सूट करती है, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट सूट फॉर यू मिस्टर जसमीत। ओके, ऑलराइट, आई पर्सनली यूज़ अ मिक्सचर ऑफ इट, कभी ये कभी वो यूज़ कर लेता हूँ तो पता चलता है किससे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। फंगल इन्फेक्शन कीप कमिंग बैक एंड बैक अगेन, देर इज़ अ हाइजीन प्रॉब्लम, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट प्रॉब्लम, ये तीन प्रॉब्लम होते हैं, हाइजीन, इम्यूनिटी, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम लोकेट करो, ठीक करो, डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लो। ऑलराइट, फंगल इन्फेक्शन वाला मेरा वीडियो देखो, वो के वे प्रोटीन से बाल नहीं झड़ते, बात खत्म। हाउ टू प्रिवेंट पिम्पल्स, प्रिवेंट पिम्पल्स प्रिवेंट करने के लिए गुड स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे भी पिम्पल थे, अब चले गए, अब नहीं आते, भगवान की दया से कभी कभी आ जाते हैं जब हम भी स्किन इग्नोर करते हैं, स्किन केयर रूटीन नहीं करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं, और फिर उसके बाद आगे डायरेक्ट बिना कुछ किए हो, तो एक आधा पिम्पल किसी को भी आ सकता है, डोंट वरी, पिम्पल केयर जरूरी है। ऑलराइट, पिम्पल केयर के लिए पूरी पूरी रूटीन है, 3-4 वीडियो से जरूर देखिएगा। और कोई सवाल, डज एक्ने जिम और वर्कआउट से एक्ने होते हैं? हो सकते हैं, जिम और वर्कआउट के बाद आपके स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव होते हैं, पसीना निकलता है, उसके वजह से स्पोर्स बंद हो सकते हैं, अगर आप जिम वर्कआउट के बाद आके मुंह नहीं धोते हो, अगर आप डायरेक्ट जाके थक गए चलो काम पे चले, ऐसा फिर दिक्कत होगा। ऑलराइट, विंटर में फेस एंड हैंड से स्किन उतारी है एंड फिंगर टिप्स भी फैट जल, क्या विंटर में उतरी है, ये ड्राई स्किन है, नथिंग एल्स, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन, आप जाओ ड्राई स्किन बाय डॉक्टर एजुकेशन का वीडियो देखो, ड्राई स्किन ठीक हो जाएगी, वो सारे टिप्स फॉलो करो, खुश रहो। राइट, स्किन फाइन लाइंस इन फोरहेड एज 35 नॉर्मल नॉट नॉर्मल, अगेन स्किन केयर रूटीन, ड्राई स्किन, अगेन द प्रॉब्लम कैन बी सन डैमेज, ये फाइन लाइंस नहीं आनी चाहिए, स्ट्रेस 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 लाइन स्ट्रेस लाइन, सो बहुत ज्यादा स्ट्रेस कैन लीड टू लाइन्स, है कि नहीं? देन फुल पैकेज होता है वो, राइट, एजिंग वाला वीडियो देखो हमारा, हाउ स्किन एजेस, वो वाले में हम समझाया हुआ है कि कैसे होता है स्किन एजिंग। ऑलराइट, बैक पर दाने, स्किन केयर, एक्ने स्केयर होगा, स्किन क्वेश्चन, हाउ टू क्योर जॉक एज, जॉक एज इज अगेन अ टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन टाइप थिंग है, उसको भी आपको एंटी फंगल क्रीम लगानी पड़ेगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम कन्फ्यूज, थोड़ा सा मेरे को श्योर होना पड़ेगा, बट देन द सेम थिंग है। राइट, एंटी फंगल क्रीम से शुरुआत करिए, ड्राई रखिए, और इट विल गेट ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, ओरल ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी चेकअप जरूरत पड़ सकती है। इम्यूनिटी चेकअप इज बेसिकली ब्लड टेस्ट, नथिंग एल्स, आपके लिम्फोसाइट्स काउंट अगर बहुत कम है तो इट माइट बी अ लो इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स आर द बेसिक फाइटर्स, पुलिस वाले आपके बॉडी के अंदर, राइट। ओके 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 ओके, स्ट्रेच मार्क्स के लिए अलग से वीडियो है, देर इज सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज टाइम एंड प्रॉपर हाइड्रेशन, प्रॉपर वाइटामिन, बायोटिन एंड वाइटामिन सी, वाइटामिन ई, वाइटामिन बी 12, वाइटामिन डी एंड वाइटामिन B12 एंड B1, ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी। स्किन केयर, एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स वाला वीडियो देखो, यू विल गेट द सोल्यूशन। राइट, सब कोई वीडियो को लाइक करो, सब सवाल लेके जाते हो, लाइक कोई नहीं करता, कितनी वो हो तुम, क्या बोलते हैं उसको,
वो एनीवे सोरियासिस के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, उसका पूरा फुल अलग से ट्रीटमेंट होता है। यस, आपको सॉल्यूशन के लिए भी हमारा वीडियो देखना पड़ेगा, सोरियासिस का डिटेल वीडियो जाके देखिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन। आई हैव अ डिटेल वीडियो। सेबेशियस ग्लैंड कॉजेस बम्प्स, यस, जब सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक हो जाते हैं देन इट कॉजेस बम्प्स, दैट इज कॉल्ड व्हाइट बम्प, व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड राइट, बेस्ट सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, अगेन आई कैन नॉट टेल यू द बेस्ट ब्रांड ऑफ सनस्क्रीन, बट देन वो है क्या कहते हैं, माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड और 50+ आप वो ले लो। देखिए डिपेंड करता है नीड पे, अगर आपकी नीड ही नहीं, इतने दिन तक इतने देर तक सन में जाते नहीं हो तो आपको 50+ या 100+ SPF की जरूरत नहीं। सो बेस्ट कैसे हुई कोई क्रीम, राइट, बेस्ट कैसे हुई, और कई क्रीम्स आपको सूट करेगी, कई किसी और को सूट करेगी, किसी में टाइटेनियम ऑक्साइड है, किसी में जिंक ऑक्साइड है, किसी को जिंक से एलर्जी होगी, किसी को टाइटेनिक से एलर्जी, टाइटेनियम से एलर्जी, तो बेस्ट कैसे होगी, बेस्ट कैसे होगी ये बताओ। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू ट्राई एंड एरर। कोई कहता है बेस्ट तो बेस्ट पागल है, वो कुछ भी कहता है, पैसे मिले उसको पैसे। हाउ टू क्योर अर्टिकेरिया, अगेन इट्स अ स्किन डर्माटाइटिस, यू नीड एंड यू नो यू नीड सम स्टीरॉइड क्रीम्स एंड यू हैव टू फाइंड, एंड जो एलर्जिक चीज़ है उससे बचना पड़ेगा और एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस खानी पड़ेगी। अर्टिकेरिया पे डिटेल वीडियो है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, बट आएगा अगर नहीं है तो। ऑल राइट, विटिलिगो पे वीडियो ऑलरेडी है, प्लीज देखिए। अर्टिकेरिया पे वीडियो होगा पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। रिंग वर्म पे वीडियो है। बेस्ट सोप फॉर ड्राई स्किन इज नो सोप, नो सोप। ड्राई स्किन के लिए स्टॉप यूजिंग बार सोप एंड गो टू लिक्विड सोप, लिक्विड सोप यूज करना शुरू करिए, कोई भी लिक्विड सोप चल जाएगा। उसके बाद मॉइस्चराइज करिए, जितना ड्राई उतनी बार मॉइस्चराइज करो, जितना ड्राई उतना बटर वाला कोकोआ बटर, शिया बटर वाला मॉइस्चराइजर ले लो। पाकिस्तान, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन, यस आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। कैसी बात कर रहे हो शाहिद भाई, हम पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करते, आप भी इंसान हो हम भी इंसान हो, पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दो, आप हमसे बात करो, ठीक है। ऑल राइट, स्किन एज 35, हाउ टू क्योर मार्क्स फ्रॉम फेस सेंसिटिव स्किन, अगेन देर इज अगेन अ फुल रूटीन, स्किन केयर रूटीन, स्किन एक्ने, एक्ने मार्क्स वाला वीडियो देखिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन वर्क ऑन इट, राइट। ऐसा नहीं होता, मेलेस्मा के लिए फुल वीडियो है जनाब, उसी पे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। व्हाट इज माय सजेशन, गो एंड वॉच द वीडियो एंड वर्क ऑन इट। लाइपोमा बेस्ट SPM रेकमेंड, अगेन मैंने 2 मिनट पहले बताया, हर एक की नीड के हिसाब से होता है। मिनिमम सन एक्सपोजर है तो 15 SPF इज इनफ, जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे बॉडी लोशन में 15 SPF है, बस वही बहुत है, मुझे और एक्स्ट्रा सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम धूप में ज़्यादा जाते नहीं, राइट। जो जाते हैं उनके लिए है ज़्यादा SPF, राइट। टैग, स्किन टैग, परमानेंट सोल्यूशन आर देर इज नो परमानेंट सोल्यूशन, आएंगे निकाल सकते हो, फिर आएंगे निकाल सकते हो। इरिटेशन को आप धूप में रखो, जहाँ पे भी ज़्यादा इरिटेशन होगा, धूप आएगी, गर्म हवा लगेगी, हो सकता है स्किन स्टिमुलेट हो जाए, टैग बना दे, राइट। सो स्किन, व्हाट इज कॉज ऑफ चेरी एंजियोमास, चेरी एंजियोमास आर डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो वीकन कोलेजन वीकनेस के वजह से होती है, विटामिन सी डेफिशिएंसीज के वजह से हो सकती है, लेकिन वो जेनेटिक ज़्यादा होती है, ज़्यादा जेनेटिक होती है कि जेनेटिकली आपकी जो आपके अंदर जो इलास्टिन फाइबमेंट्स है, फाइबर्स हैं, वो ज़्यादा ही वीक हैं, और वो जो भी फाइबर्स होते हैं इलास्टिक, वो वीक होने की वजह से वो डायलेट हो जाते हैं। चेरी एंजियोमास आर वेरी कॉमन। हेड में अंडर हेयर बहुत पिंपल्स होते हैं, अगेन द सेम थिंग, पिंपल्स के लिए पिंपल केयर रूटीन फॉलो करिए आप। और हाइपोथायराइड, वेरी ऑयली स्किन, हाइपोथायराइड के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, ऑयली स्किन के लिए ऑयली स्किन वाली रूटीन देखिए। फिंटर्स में हेयर स्किन से स्किन उतरती है, तो हेयर स्किन ड्राई है, आपकी कंपाउंड स्किन है ना, और वो ड्राई है, और आप या ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अल्कोहल टाइप्स टोनर यूज़ कर रहे हैं, दैट कैन कॉज दैट प्रॉब्लम इन विंटर्स। सो मेक श्योर आपके अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग स्किन प्रॉपर्टीज हो सकती है, यहाँ ड्राई, यहाँ ऑयली, यहाँ ड्राई, यहाँ ऑयली, इट्स पॉसिबल। सो मेक श्योर टू लिसन टू योर स्किन एंड अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप, राइट। जाकिर जी, मुझे स्कार के बाद रेडनेस हो गई है एट बियर्ड साइड, और वहाँ के हेयर्स की ग्रोथ भी नहीं हो रही है, मैं कैसे उस स्किन को नॉर्मल करूँ। अगेन स्कार है, कोई चोट लगी थी, तो पॉसिबल है कि वहाँ का जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे जो वो मर गए हैं, डैमेज हो गए हैं। सो इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, अगर वो टेस्ट आते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट देर आर टेस्ट इन विच दे कैन टेस्ट योर हेयर फॉलिकल्स, और अगर हेयर नहीं आ रहे हैं तो वहाँ इम्प्लांट कर सकते हैं आर्टिफिशियली, दैट्स वॉट यू कैन डू। और अगर रेडनेस हो रही है तो इन्फ्लामेशन है, अगेन उसको देख के समझ आएगा, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को एक बार दिखाओ, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन
यू हैव मिस्टर शाहिद. ऑलराइट, ड्रिंक मोर वाटर इज गुड, एब्सोल्युटली. ज्यादा पानी स्किन के लिए बेसिक है, द बेसिक थिंग इज ड्रिंकिंग मोर वाटर. And whitest skin in the corner of the nose between the eyebrows is not seborrheic dermatitis, it can be dermatitis, it can be dry skin also. अभी ये देख के पता चलेगा, इसके लिए एक बार dermatologist को दिखाओ और skin care routine अपनी better करो अगर आप पहले कुछ और try करना चाहते हो. एक ideal skin care routine वाला हमारा video देख लीजिए. Open pores को कैसे permanently ठीक करें, देखिए pores open close नहीं होते, वो दिखने में थोड़े open होते हैं, दिखने में थोड़े close होते हैं, because वो दिखने के लिए डायरेक्ट होते हैं. आप थोड़ा बहुत अगर उसमें ठंडा लगाएंगे तो क्लोज दिखेंगे, और रेगुलरली ठंडा लगाएंगे तो क्लोज हो जाएंगे, क्लोज क्लोज रहेंगे और कुछ नहीं है. सो दैट इज़ द थिंग, राइट. जो भी जब भी वाइट गर्म होता है, आप बहुत ज़्यादा ब्लशिंग करते हैं तो पोर्स ओपन हो जाते हैं. सो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, यू दैट्स योर जेनेटिक्स, राइट. ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स भी आते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं. कुछ क्रीम्स आती हैं, जैसे कि अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड बार बार लगाते हैं, सो दैट ऑल्सो गिव्स अ इमिटेशन कि पोर्स क्लोज हो रहे हैं. हफ्ते में एक बार लगाना शुरू कर सकते हो, नो बिग डील. 6% चने की दाल जितना लगाना है, छोटा सा. एल्बो की स्किन बहुत रफ है, दैट कैन बी ड्राई स्किन, और एल्बो की स्किन ज्यादातर डार्क होती है. मेरी नहीं है, स्किन केयर करना आता है हमें, समझे. ओके. मेलेस्मा ठीक नहीं हो रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखाओ, इट माइट बी एन इंटरनल इशू और डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, 40 मिनट हो गए दोस्तों, चलता हूँ. राइट, वॉट्स के लिए इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, आपको दोनों तरीके की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है. एंटीवायरल कई बार मेडिकेशन भी खानी पड़ती है, और कई बार वो सिंपल उससे जो लोकल लगाने वाली ऑइंटमेंट क्रीम से ठीक हो जाता है. उसके लिए अगेन आप डॉक्टर को दिखाइए. वॉट्स को कई बार एक्सरसाइज भी करना पड़ता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडाइट. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेमिनार. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत सारी हमारे वीडियोज़ में है, जाके नीचे लिंक देखो. स्किन वाले, हेयर वाले और नेल वाले आएंगे. सो टेक केयर गाइज. कल के लिए वोट ज़रूर करिएगा आके, और लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ. देखो कोई भी बात, एक भी बात से हेल्प मिलती है तो मेक श्योर कि इसको आगे बढ़ाओ. ठीक, थैंक यू, गुड नाइट एंड रबा खैर, शबा खैर.